हाय गाइस, वेलकम बैक. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी अपने चैनल पर, आज है उसका एपिसोड नंबर 9. आई होप आपने पहले वाले एपिसोड्स देख लिया और आपको सब समझ में आ गया. फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी. आज जो सेंटेंसेस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस में. कौन से टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो देखिए, कर लेते हैं. माई मदर विल बेक अ केक, कि मेरी मम्मा जो है वो एक केक बेक करेंगे. ठीक है, फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो कुछ होगा फ्यूचर में. ठीक है, माई मदर विल बेक अ केक, मेरी मम्मा एक केक बेक करेंगे. केक के लिए हमेशा बेक होता है, मेक अ केक नहीं होता, बेक करेंगे केक को. ठीक है, अ केक विल बी, कैसे अ केक आगे आएगा? ठीक है, सबको पता है सब्जेक्ट ये है माई मदर, ऑब्जेक्ट है अ केक. पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो अ केक आगे आ जाएगा, अ केक. और बता देती हूँ, जहां पर भी विल होता है या शैल होता है वहां हमेशा बी लगता है. ठीक है, जैसे हैज हैव हैड के साथ क्या बताया था? बीन लगता है, बी डबल ई एन बी. ऐसे ही विल और शैल के साथ लगता है बी ये. ठीक है, अ केक विल बी, अब का क्या होगा यहाँ पे? बेक्ड. कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? बेक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. विल या शैल जब भी लगता है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, लेकिन पैसे वर्ब में हमेशा कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? हर बारी मैं आपको बताती हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो क्या है? बेक्ड, बेक, बेक्ड, बेक्ड. मैं आपको हर बारी बताती हूँ जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करती हूँ, इसलिए कि उसके थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अगर हर एक की मैं बताती जाऊंगी तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इसी से नॉलेज हो जाए. वैसे मैंने आपको बताया जब तक थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको नहीं आएगी, मतलब किसी भी वर्ब की अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी तो आप पैसिव वॉइस नहीं ढंग से कर पाएंगे. इसीलिए कोई भी ग्रामर बुक ले लीजिए, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो बताई हुई हैं उनसे कर लीजिए आप चाहे. ठीक है, तो अ केक विल बी बेक्ड बाय माय मदर. ठीक है, बाय आएगा यहाँ पर और माय मदर. ठीक है, माय मदर इकट्ठा कर, इसका मतलब क्या होगा? अ केक विल बी बेक्ड बाय माय मदर, मतलब एक केक जो है वो बेक किया जाएगा मेरी मम्मा के द्वारा. ठीक है, मेरी मम्मा के द्वारा एक केक बेक किया जाएगा. ठीक है, और इसमें क्या है कि मेरे मम्मा एक केक बेक करेंगे. ठीक है, अब आप सोचोगे पैसिव वॉइस यूज कहाँ पे होता है? आप जब भी, अब जैसे कि अगर आप 6 क्लास से ऊपर हैं तो आपको पता होगा कि एक जो है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आता है ग्रामर में, इंग्लिश में, उसमें ये पूरा का पूरा यूज होता है पैसिव वॉइस, है ना. वी विल ईट द केक. ठीक है, वी विल ईट द केक, मम्मा केक बेक करेंगे, हम खाएंगे. ठीक है, वी विल ईट द केक मतलब हम केक खाएंगे. तो द केक जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा. अब द का टी स्मॉल है यहाँ पर और यहाँ पर द का टी कैपिटल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब ये फर्स्ट लेटर बन गया इस सेंटेंस का. ठीक है, सो द केक विल बी, जहां पर विल आता है वहां क्या आएगा? विल बी ईटन, क्योंकि ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? ईटन. यहाँ पे ईट है क्योंकि विल लगा हुआ है. विल या शैल जहां भी आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. ठीक है, तो ईट, एट, ईटन, ईटन होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट की. द केक विल बी ईटन बाय अस, अस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वी है. जब वी यहाँ पर होता है यहाँ पर हो जाता है अस, यहाँ पर माई मदर है तो माई मदर ही रहेगा. ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं. थर्ड है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या करूंगी. ठीक है, तो यू आगे आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, यू यहाँ पर यू का बाय कैपिटल हो गया यू, और विल के साथ बी, यू विल बी हेल्प्ड. हेल्प की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हेल्प्ड. थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती है? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, मतलब हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्प सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हेल्प्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. आपको क्या कभी कंफ्यूजन होती है? अब आप मुझे ये भी पूछ सकते हो अगर आप अच्छे से कर रहे हो कि मैम आपको कैसे पता कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी तो हो सकती है. ये भी होता है, मतलब मैं बता सकती हूँ किसी भी सेंटेंस को देखकर अगर उसमें हेल्प लिखा हुआ है कि वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अगर आपको इस बारे में कंफ्यूजन रहती है, और मुझे लगता है ज्यादातर को होगी ये कंफ्यूजन, कमेंट सेक्शन में लिख देना. मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी बताने के लिए कि कैसे पता चलता है जब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होती है. जैसे कैच, कॉट, कॉट, तो कॉट अगर लगा होगा आपको कैसे पता चलेगा कि वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, जैसे बाय, बॉट, बॉट, तो कैसे पता चलेगा कि बॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज हुई हुई है या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. चलो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, तो अगर डाउट है तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी. ठीक है,
मी आई लगा होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मी आ जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. यू विल बी हेल्प बाय मी, तुम्हारी हेल्प जो है मेरे द्वारा की जाएगी, ये है इसका मतलब. दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है. दे का मतलब क्या होता है, वे मतलब ज्यादा लोग, ठीक है. वह होता है ही, वे होते हैं दे, ठीक है. वह का मतलब ही भी, शी भी हो सकता है, ठीक है. दे विल प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलेंगे. फुटबॉल, अब यहाँ पे फुटबॉल का एफ क्या हो गया, कैपिटल हो गया है ना, ठीक है. फुटबॉल, फुटबॉल विल बी, विल के साथ बी लगता है हमेशा, तो विल बी प्लेड, ठीक है. प्ले था यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल शैल जहां भी आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्या, ताकि ना आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है. और वहां पर पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्ले प्लेड प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्लेड, प्लेड बाय देम. दे है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा देम, जहां पर दे होता है वहां पे देम हो जाता है. फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम, उनके द्वारा फुटबॉल खेला जाएगा. आए होगा तो मी हो जाएगा, दे होगा तो देम हो जाएगा. आई होप आज तक जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस करवाया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आपको समझ में आ गए हैं. अगर आपका आंसर यस में है तो प्लीज लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में प्लीज बता भी देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप ये सब समझ पा रहे हैं. तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना, इसी तरह की वीडियोज में लेके आती रहती हूँ, जिससे आपके नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाए. तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.